चौफुलिया में शनिवार को कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश महासचिव विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने किया। इस अवसर पर आयोजित सभा में मौजूद लोगों को एडवोकेट रामनिवास सैनी, विद्याधर ओलखा, ताराचंद गुप्ता, विनोद ऐसवाल, के सैनी, उदयपुर वाटी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेश्वर लाल सैनी, रविंद्र भडाणा, भगवान आराम सैनी, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता श्याम लाल सैनी, जितेंद्र राठी, प्रमोद सैनी छापोली, अब्दुल अजीज कछावा, प्रहलाद सिंह, रोहतास धाबाई ने संबोधित किया। उद्घाटन समारोह में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अतिथियों का चौरा सरपंच प्रतिनिधि सीताराम सैनी द्वारा स्वागत किया गया। पार्टी की रीति नीति और इसके नेताओं का जितना आपको बताया जाए, मैं समझता हूं उनकी कुरीति, उनका व्यवहार आपसे छुपा है न हमसे छुपा है। आज हमें बात केवल यही करनी है कि मुझे याद आता है इंदिरा गांधी जी का वो नारा, ना जात पर ना पात पर बटन दबेगा हाथ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जितना विस्तृत रूप से बताया, जितना आप जानते हैं उतना ही मैं जानता हूं। मैं 2008 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आया था और आज भी कांग्रेस के पक्ष में भगवान राम सैनी को जिताने के लिए आपसे आग्रह करने आया। 2008 में जैसा था, 2018 में विजेंद्र सिंह इंदरपुरा आपके बीच में खड़ा हुआ, आपसे वोट की मदद मांग रहा है, कांग्रेस के पक्ष में मांग रहा है, कांग्रेस के विकास के लिए मांग रहा है, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप के लिए मांग रहा है। मुझे आपने जाना, आपने पहचाना, मैं पिछले लगातार 10 साल से आपके बीच में हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ उसी लगन और उसी ईमानदारी के साथ जुड़ा रहूंगा। मुझे न पार्टी का यह है कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया और ना ही यह है कि उसको नहीं दिया, बल्कि मुझे इस बात का गर्व है कि कांग्रेस की रीति नीति को मैं लेकर चला हूं, उस रीति नीति का प्रसार मैं करता रहा हूं। ये मेरी इच्छा रहती है, ये मेरी भावना रहती है और मंच पे आप देख रहे हैं सभी सम्मानित, सभी बुजुर्ग, सभी अनुभवी नेता हैं। ठीक कह रहा था रविंद्र जी बढ़ाना कि हमारे जो वरिष्ठ हैं, मेरे बड़े भाई हैं और जो इस क्षेत्र के, मैं ये कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि झुंझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं विद्याधर जी होलखा, जिन्होंने निश्चित रूप से सबको एक करने का जो प्रयत्न प्रयास किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान राम जी, आपके बारे में सब लोग कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, सहनशील हैं, ये बात बनाए रखना, ये 5 साल में लोगों को ये एहसास कराना इस बात का कि जो चौफुलिया में नेताओं ने कही थी, जो जनता ने कही थी, इन लोगों के, अच्छे लोगों के संपर्क में रहा हूं। जब सत्ता आपके पास आती है तो आदमी को खुमारी आ जाती है। कहते हैं जब सत्ता और पैसा मिलता है तो व्यक्ति की चाल बदल जाती है, उसके हाल बदल जाते हैं। तो ये बात आप लागू मत होने देना, ताकि लोगों का विश्वास कायम रहे, लोगों का अपना जो वोट आपको देने के लिए जन सैलाब उमड़ा है उसकी बात बनी रहे और लोगों में ये रहे कि नहीं, आदमी बदलता नहीं है, ना पैसे से बदलता है, ना सत्ता से बदलता है। यही जनता, मैं समझता हूँ, उदयपुर वाटी और बिटा की ये चाहती है कि यहाँ जो सहनशीलता, सहनता और जो अपनापन है वो इनको चाहिए। ना कोई किसी को देता है, ना कोई किसी से लेता है। ये तो प्रजातंत्र का मेला है जो 5 साल से आता है। 5 साल में आपका लेखा जोखा करके ये मतदाता आपको अपनी पूरी जो तस्वीर है वो दिखाता है। उसको आप अच्छी बनाए रखना, आपका स्नेह इनके प्रति बनाए रखना, ये मैं आग्रह करता हूँ। आप लोगों ने शानदार ये सभा की, आप सब यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।